नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में 11 जगहों पर खोले जाएंगे नए रजिस्ट्री कार्यालय, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार में जाम से मिलेगी राहत, 28 जिलों में बनेगा ट्रैफिक थाना, डीएम और एसपी खोजेंगे जमीन। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 12,771 पदों पर होगी बहाली, 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका। पटना के बाढ़ में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का हुआ शुभारंभ, निशुल्क मिलेगी स्वास्थ्य सेवा। बिहार में 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों का होगा नियोजन, जाने कब शुरू होगी 7वें चरण की शिक्षक भर्ती। युवाओं का मतदाता बनना हुआ आसान, साल में 4 बार मिलेगा मतदाता सूची में पंजीकरण का अवसर। बिहार में 11 नए रजिस्ट्री ऑफिस खोलने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में इसकी सहमति दी गई है। इसके तहत पटना जिले में 3 जगहों पर नए रजिस्ट्री कार्यालय होंगे। इनमें फतुहा, संपतचक और बेटा में रजिस्ट्री ऑफिस स्थापित होगा। इसके अलावा बक्सर जिले के डुमराव, बांका के अमरपुर, पश्चिमी चंपारण के चनपटिया और लौरिया, समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटौरी, कटिहार के मनिहारी, वैशाली के पातेपुर, पूर्णिया जिले के वनमनखी में नया अवर निबंधक कार्यालय खोला जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इन सभी जगहों पर अवर निबंधक की नियुक्ति की भी सहमति दी गई है। इसके अलावा जिला अवर निबंधक के 2 और अवर निबंधक के 9 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से इन जगहों पर जमीन आदि की रजिस्ट्री के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी। बिहार में सड़क जाम की समस्या व सड़क सुरक्षा ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 28 नए पुलिस जिलों में ट्रैफिक थाना खोलने का निर्णय लिया है। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक इसके लिए भूमि की तलाश करेंगे। वर्तमान में राज्य के 12 जिलों में 15 ट्रैफिक थाने ही कार्यरत हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा संबंधित बैठक में बताया गया है कि 28 जिलों में नए ट्रैफिक थाना के सृजन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर ट्रैफिक आईजी से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें प्रस्तावित ट्रैफिक थाना भवन निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। ट्रैफिक आईजी की रिपोर्ट पर गृह विभाग संबंधित डीएम एसपी को भूमि उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करेंगे। जिला स्तर पर ट्रैफिक डीएसपी इस दिशा में होने वाली कार्रवाई में आवश्यक समन्वय स्थापित कर सहयोग करेंगे। गृह विभाग ने बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से भी ट्रैफिक थाना भवन निर्माण को लेकर स्थल की आवश्यकता एवं भवन के स्वरूप का आकलन करते हुए अलग से प्रस्ताव मांगा है। उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना होगा कि नए ट्रैफिक थानों के भवन कैसे होंगे और उसके लिए कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में स्थायी पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के 12,771 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों से 1 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई है। स्वास्थ्य विभाग में जिन पदों पर स्थायी नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है उसमें 10,709 नियमित ANM का पद, 803 नियमित एक्सरे टेक्नीशियन का पद, 1,096 नियमित OT असिस्टेंट का पद और 163 ECG टेक्नीशियन के नियमित पद शामिल हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में स्थायी रूप से नियुक्ति होने वाले ANM के 10,709 पदों में अनारक्षित कोटि के 3,539 पद हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 868 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2188 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2403 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 1191 पद, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 438 पद, स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता के लिए 180 पद और दिव्यांग जनों के लिए 346 पद शामिल हैं। NTPC बाढ़ पटना की ओर से शुक्रवार को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा मोबाइल हेल्थ क्लिनिक व मातृत्व एवं शिशु चिकित्सा सेवा की शुरुआत की गई। NTPC बाढ़ की R&R CSR नीति के तहत परियोजना प्रभावित ग्राम के लिए इस इकाई को चलाया गया। इस योजना से 12 पंचायतों के लगभग 69 गांवों के हजारों ग्रामीण लाभान्वित होंगे। इस सेवा का उद्घाटन बाढ़ के परियोजना प्रमुख आशीष दत्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान परियोजना के विभिन्न विभाग अध्यक्ष, चिकित्सा प्रमुख बाढ़, R&R HR, अन्य चिकित्सक सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बाढ़ परियोजना का मिशन सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को हर ग्राम तक सुलभ करना है।
बिहार में सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत करीब 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए अगले महीने सितंबर के अंतिम सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे। छठे चरण की खाली पदों को सातवें चरण में भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि छठे चरण के सभी रिक्तियां सातवें चरण में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में रिक्त पद और सृजित पदों की गणना करके सातवें चरण में रिक्तियां जारी की जाएंगी। शिक्षा विभाग की मंशा है कि सातवें चरण में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सातवें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को घोषित करने में बड़ी तकनीकी बाधा छठे चरण की प्रक्रिया का अभी तक चालू रहना है। जब तक इस चरण में खाली रह रहे पदों का आंकड़ा पूरी तरह सामने नहीं आता है, तब तक सातवें चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू करने में तकनीकी बाधा सामने आ रही है। हालांकि विभाग ने सातवें चरण के नियोजन की तैयारियां शुरू कर दी है। मतदाता सूची में अब बेहद आसानी से नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नए दिशा निर्देश के बाद बतौर मतदाता पंजीकरण कराने के लिए वर्ष में 4 मौके मिलेंगे। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर अर्हता तिथि के तौर पर मान्य होंगे। जिस तिमाही में नए मतदाता की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। 17 साल पूरी करने के बाद युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की भी सुविधा अब शुरू हो गई है। उन्हें सिर्फ 1 जनवरी की अर्हता तिथि की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं रह गई है। अब से निर्वाचन नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जाएगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो। पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। बैंक में नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने पीओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बंपर भर्ती के नोटिफिकेशन को बीती रात जारी किया गया है। जो भी लंबे अरसे से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IBPS द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए 6,432 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सरकार पर हमलावर होते दिखे। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर अपने फेसबुक और ट्विटर पेज पर एक पोस्ट किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि यह अयोग्य सरकार देश की आय को बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेच रही है। ऐसा देखा गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगारी, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को उठाने का काम करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने इस बार भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्या है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जन सरोकर के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। यह अयोग्य सरकार देश की आय बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेचकर युवाओं एवं आम जनों को भ्रमित कर कितने दिन काम चलाएगी। बिहार के 23 जिलों में मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। इस बाबत चुनाव आयोग की ओर से नवंबर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में वैसे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा जहां लिंगानुपात कम है। राज्य का जनसंख्या अनुपात 918 है, जबकि मतदाता सूची का लिंगानुपात 904 है। इसे देखते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लिंगानुपात में हर हाल में सुधार होना चाहिए। राज्य के सिर्फ 15 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में जेंडर रेशियो आदर्श है, जबकि 23 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या औसत रूप से पुरुषों से कम है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि आयोग के निर्देश को सभी जिलों तक जारी कर दिया गया है। बिहार में अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है। ये बहाली अक्टूबर महीने से दानापुर में शुरू होगी। 7 से 23 अक्टूबर तक होने वाली भर्ती कार्यालय दानापुर स्थित चांदमारी मैदान में की जाएगी। बिहार के 7 जिलों में ये भर्ती होगी। इन जिलों में पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली शामिल है। खास बात यह है कि इस भर्ती रैली में महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस रैली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अक्टूबर के बाद
बाद उम्मीदवार पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। 18 सितंबर से अभ्यर्थियों के ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दी गई तिथि पर बताए गए जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अगर आप इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें।